कोवैक्सीन वैक्सीन को मिली हरी झंडी। रूस की स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को भारत में मिली मंजूरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के हाथ और भी मजबूत हुए हैं। कोवाशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी हरी झंडी मिल चुकी है। सब्जेक्ट एक्सप्रेस कमेटी SEC ने तीसरे फेज के ट्रायल में स्पुतनिक वी के पूरी तरह सुरक्षित और संक्रमण रोकने में कारगर पाए जाने के बाद सोमवार को इसे मंजूरी दी। आपका नाम? सर मेरा नाम भोला झा है। झा जी, आप आज यहाँ पे वैक्सीन लगवाई है आपने, तो क्या कहेंगे वैक्सीन को लेके? जिस तरीके से लोगों में भय बना हुआ है कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको लेके? सर वैक्सीन से जो भय है, लोगों से मैं अपील करूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैक्सीन लगाई है, कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं नज़र आया, और मैं मास से अपील करना चाहूँगा कि वे आगे आए, और जो भी लगा कर जाते हैं वे अपने साथ वालों से संवाद स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात, जहाँ जो हमारी सरकार के जो संस्थान हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टर के साथ जो हमारे सहायक कर्मचारी हैं, चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं, सबका जो आपसी सामंजस्य है वो बहुत ही अच्छा व्यवहार है। पेशेंट के साथ उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन के बाद जब पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ महसूस करता है तब डॉक्टर अपने निरीक्षण के बाद उन्हें छोड़ते हैं। तो ये जो इतना समय लगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन का? सर कुछ समय नहीं लगा, बहुत इन लोगों का जो तंत्र है, जो फास्ट प्रोसेस है, बहुत काबिले तारीफ है। कोई अब कोई नेक काम के लिए सर आधे एक घंटे अगर हमें इंतज़ार करना पड़ता है तो उसको आप अन्यथा नहीं लेना चाहिए, और एक अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए हमें आगे आना चाहिए, और थोड़ी सी मुश्किल तो झेलनी पड़ती है ना सर। तो ये पब्लिक को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका नाम? मैं डॉक्टर RN प्रसाद हूँ, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल में CMO के रूप में कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नई वैक्सीन जो है आने वाली है, तीसरी जो वैक्सीन जिसको कहा जा रहा है, तो वो क्या वैक्सीन है? उसके पीछे जो वैक्सीन आ रही हैं दो, तो वो उनसे क्या उसके अंदर अलग है? देखिए, अभी जो वैक्सीन को अप्रूवल मिली है या मिलने वाली है वो उसका नाम है Sputnik 5। ये रशियन वैक्सीन है। हर वैक्सीन का बनाने का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, मतलब अलग अलग मोड से बनाते हैं। तो इसको हमारी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ना, उसको ये उन्होंने मान्यता दी है, शायद अभी थोड़े दिन में मिल जाएगी उनको मान्यता। तो ये सब आफ्टर ऑल द क्लिनिकल ट्रायल्स ये रेगुलेटरी बॉडीज़ अप्रूवल देती हैं, तो वो सब चीज़ें मापदंड में खड़े होते हैं, उसके बाद ही आती है बाजार में। तो अभी दो तो वैक्सीन लग रही हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो वैक्सीन लग रही हैं हमारे यहाँ। अभी तीसरे को अनुमति मिली है, अब देखते हैं किस प्रकार से ये हमारे सेंटर्स पे। कितने दिन में सर आ जाएगी? ये डिपेंड करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ पे कि वो कितने दिनों में परमिशन देती हैं कि ये आप लगाना शुरू कर दो। जिस तरीके हमें इसकी जानकारी नहीं होती। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन लग रही हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसका क्या इलाज है? और लोगों के अंदर एक भय बना हुआ है कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी, हमारे को ये हो जाएगा, हमारे को ये हो जाएगा, तो इसको लेके डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हर वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स
होने की गुंजाइश रहती है, होते नहीं हैं बट हम बता देते हैं पहले ही। जैसे हमारे यहाँ बच्चों का इतना बड़ा प्रोग्राम चलता है, वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता है, बच्चों को हम DPT का भी टीका लगाते हैं तो भी हम बताते हैं कि अगर बच्चों को बुखार आया है तो पैरासीटामोल की गोली आप सिरप पिला देना। वैसे ही उसी स्तर का एडवर्स इफेक्ट इसमें भी देखने को मिल सकता है। देखिए फेरिस तो मैन्युफैक्चर लिफलेट में बहुत सारी लिखी होती है लेकिन वो प्रैक्टिकली होती नहीं है, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप इसको और भी जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं उसको भड़काते हैं। हम लोग के यहाँ देखो आप 400 से 500 लोगों का वैक्सीनेशन डेली हो रहा है और मैं एकदम साक्षी हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला। और कुछ साइकोसोमेटिक भी होते हैं, जैसे आज सुबह में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक भाई साहब को थोड़ी सी हल्की सी डिजीनेस हुई। तो क्यों हुई? एक तो साइकोलॉजिकली जब पूरा वाइटल्स चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ECG नॉर्मल, वाइटल्स नॉर्मल, तो हमने पता किया तो भाई साहब सुबह से खाना खा के ही घर से नहीं निकले थे, खाली पेट आए थे कि वैक्सीन खाली पेट ज़्यादा असरदार होती है। तो वो भी एक मिथ है जो उनको मिथ किसी व्हाट्सअप ग्रुप में से आया था कि खाली पेट जाना वैक्सीन असरदार होगी। तो आप उचित जो भी एक लाइट ब्रेकफास्ट लेके ही आएँ और उसमें कोई भी फिर हमने उनको ट्रीट किया जो भी। तो जिस तरीके से लोगों में भय है तो वो मतलब जो है भय एकदम भ्रामक है, ये भ्रामक प्रचार चल रहा है। ये वैक्सीन जो जनरल वैक्सीन के जो जनरल वैक्सीन चलते हैं हमारे जो नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीन होते हैं जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं वही इसके लिए। अभी तक हम लोगों को कोई मेजर साइड इफेक्ट हमारे सेंटर पे या साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अभी तक नहीं देखने को मिला। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई जगह पे कंट्रीज में पैचेस आ रहे हैं तो उस तरीके की जो है वो क्या है? ये आर्टिकुलर रैशेस आ सकते हैं, बहुत मेजर साइड इफेक्ट में नहीं आता है, रिएक्शन स्किन रिएक्शन आ सकते हैं बट हमारे यहाँ कभी नहीं आए। इसका ट्रीटमेंट सर? हाँ अवेलेबल है, वेरी सबका। लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वी आर वेल इक्विप्ड। हम लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि हम इस एडवर्स इफेक्ट को कॉम्बैट कर सकें। साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन लग रही हैं और कितने डॉक्टर्स इस पर वर्क कर रहे हैं? सर मैं साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बता सकता हूँ, करीब करीब 50 हॉस्पिटल, 40 से 50 हॉस्पिटल हमारे डिस्पेंसरीज, MNCW सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही समुचित और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। खासकर 11 से 14 का जो एक प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी का था कि टीका महोत्सव मनाइए, उससे भी काफ़ी मैंने देखा है कि थोड़ा सा लोगों में उत्साह बढ़ा है। सर कोरोना बढ़ने की, एकदम से इतने बढ़ने की क्या वजह है? जिस तरीके से दिन पर दिन इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में भय का डर है, तो क्या कहेंगे इसको? सर सीधा सीधा है, हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखाया पिछले कुछ दिनों में, थोड़ा सा केसेस डाउन हुआ, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। ये आपको भी लग ही रहा होगा, मनीवन सब लोग, हम लोग भी फेस देख रहे थे कि थोड़ा सा हमारा जो बिहेवियर है कोरोना के प्रति हम ढीले हो गए थे, आज उसी का परिणाम है। तो कम से कम जब वैक्सीनेशन, अभी हमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग भी ग्रसित हो रहे हैं उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है, चेक करो, टेस्ट करो, आइसोलेट करो ताकि वो फिर और ना फैलाएं, और इधर हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक लेवल पे आ जाए जहाँ की सोसाइटी में एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए, तब ये जाके जनरल फ्लू की तरह हमारे बीच में रहेगा। सर साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर कितनी वैक्सीन जो है लग चुकी है, लगभग जो है अब कितने का आंकड़ा होगा जो वैक्सीन लोगों को लग चुकी है? जब सर वो आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हम डेली का आंकड़ा दे सकते हैं यहाँ से जो लगता है हमें, हम करीब कभी 350, कभी 400, अभी एक दिन हमने 500, 10 या 20 ऐसे कुछ लोगों को वैक्सीनेट किया था। तो ये थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट होता रहता है, तो करीब करीब 400 के आसपास लोगों का औसत डेली। किस एज तक अब जो है वैक्सीन लग रही है? 45 से ऊपर कोई भी आके हमारे यहाँ वैक्सीन लगवा सकता है। प्री रजिस्टर्ड जो लोग आते हैं वो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से लगवा लेते हैं, जो प्री रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनमें हम रजिस्टर करके लगाते हैं। यदि किसी ने वैक्सीन लगानी है तो उसको क्या, किस तरीके से वो हॉस्पिटल में आए और उसको क्या दिखाना होगा, किस तरीके से उसको वैक्सीन? अगर वो प्री रजिस्टर्ड है तो वो अपना सबूत दिखाए कि वो प्री रजिस्टर्ड है, अपना नाम बताए और एक आधार कार्ड और एक कॉपी लेके आए और एक फ़ोन नंबर देना होगा बस।